नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए हर एक पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी की ओर से लड़ना चाहती है और उसने अपने तरफ से तैयारी भी शुरू कर चुकी है। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आगे है और उसने 11 कैंडिडेट अपने इस विधानसभा चुनाव के लिए नाम भी घोषित किए हैं। तो इस समय प्रकाश आंबेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसने एक पहल की कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हो जाता है तो मैं इसके लिए समर्थन करता हूँ और इसके लिए मैं बहन कुमारी मायावती से बातचीत भी करूँगा, ऐसा वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर इसने कहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे टुकड़े टुकड़ों में बटी है, क्योंकि जब बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े थे तब पार्टी मजबूत थी, तब से रिपब्लिकन पार्टी के तो टुकड़े हो चुके हैं और हर कोई अपना रिपब्लिकन पार्टी का नेता बन चुका है। इसमें अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर और बसपा के नेता मायावती एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में ही निश्चित विधानसभा का जो चुनाव है उसमें अलग ही परिणाम दिखेगा, क्योंकि आंबेडकरी अनुयायी को विभक्त करने के लिए हर कोई, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विरोधी पार्टियां हो, वो हर तरह की कोशिश कर रहा है कि आंबेडकरवादी नेता एक न हो और आंबेडकरवादी वोटरों को टुकड़ों में बांटने की वो हर तरह की कोशिश करता है। लेकिन अगर यह प्रकाश आंबेडकर और मायावती एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे देश में एक नया माहौल तैयार हो जाएगा और विधानसभा चुनाव में वो इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। और यह बात मायावती ने भी समझने की बात है कि महाराष्ट्र का नेतृत्व अगर प्रकाश आंबेडकर को देना, अगर मायावती ने प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन करके उनको महाराष्ट्र में उनको नेतृत्व दिया तो महाराष्ट्र में ये आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम अच्छा होगा और वहां पे वंचित बहुजन आघाड़ी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ आमदार भी चुन सकते हैं। और जिस तरह से विदर्भ में आंबेडकरी अनुयायी की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी की भी ताकत है और बहुजन समाज पार्टी की भी विदर्भ में ताकत है, तो ये देश के लिए और राज्य के लिए यह एक संदेश जाएगा और आम विधानसभा चुनाव में एक अच्छा नतीजा निकल सकता है। और लोगों की यह भावना है कि इस विधानसभा चुनाव में आंबेडकरी जो पार्टियां है उनके आमदार निकलने चाहिए और इसके लिए सभी लोग, अगर यह अच्छा हुआ कि प्रकाश आंबेडकर और बहन कुमारी मायावती एक साथ आते हैं तो देश के राजनीति में कुछ नया
मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर यह गठबंधन होता है तो इसका क्या फायदा हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान।